आपको नोएडा में श्रीकांत त्यागी याद होगा, वही श्रीकांत त्यागी जिसने एक महिला को के साथ अभद्र व्यवहार किया था, गाली गलौच हुई थी, वो वीडियो वायरल हुआ था, फिर काफी पुलिस कार्रवाई भी हुई। श्रीकांत त्यागी के घर पर बुलडोजर चलाया गया था, ये तस्वीरें आपको याद होंगी। ये नोएडा की एक बहुत नामी गिरामी सोसाइटी है, उसी सोसाइटी में अब दूसरे लोगों के अवैध निर्माण की बारी आ गई है। नोएडा अथॉरिटी ने सोसाइटी के 300 फ्लैट को नोटिस दिया, और ये सीधी तस्वीरें हम आपको उसी ओमैक्स सोसाइटी की दिखा रहे हैं जहां 300 फ्लैट के मालिकों को 48 घंटे का पहले अल्टीमेटम दिया गया था, वो अल्टीमेटम खत्म हो गया। इसके बाद बुलडोजर वहां पहुंचा, और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, ये सीधी तस्वीरें हैं जो कार्रवाई वहां पर इस समय चल रही है। उस सोसाइटी के कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे और श्रीकांत त्यागी के घर के बाहर जो अवैध निर्माण था उसको गिराने की बात करने लगे। अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि उसी सोसाइटी में कुछ और भी ऐसे घर है जहां अवैध निर्माण है। ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे वहां पुलिस पहुंची हुई है, पुलिस के साथ साथ वहां पर लोगों का प्रदर्शन चल रहा है जो कह रहे हैं कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया, सीधा बुलडोजर कैसे पहुंच गया, अगर कथित रूप से अवैध निर्माण है उसको गिराने का नोटिस उन 300 फ्लैट मालिकों का कहना है उन्हें नहीं मिला। ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में नोएडा अथॉरिटी के बुलडोजर चलने के बाद लोगों ने अपने घरों में जो भी कंस्ट्रक्शन बाहर की तरफ किया हुआ था वो हटाना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कारीगर हैं वो बाहर जो कंस्ट्रक्शन किया हुआ है उसको हटाने में लगे हुए हैं। तमाम कंस्ट्रक्शन जो रोड की तरफ हुए हैं उनको धीरे धीरे करके अब हटाया जा रहा है। ये हुआ है जब नोएडा अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए आधा एक दर्जन से ज़्यादा इस तरीके के कंस्ट्रक्शन को जमींदोज कर दिया है। फिलहाल जो निवासी हैं वो हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं और अथॉरिटी और पुलिस की टीम यहाँ पर अभी भी डेरा डाले हुए है। श्रीकांत त्यागी की पत्नी द्वारा पेड़ जब लगाए गए उसी विवादित स्थल पर, उसके बाद इस मसले ने दोबारा से तूल पकड़ा और अब जो बाहर की तरफ बनाए हुए जितने स्ट्रक्चर्स हैं उनको नोएडा अथॉरिटी डिमोलिश कर रही है। कैमरा पर्सन सत्या के साथ अभिषेक आनंद, नोएडा आज तक।